क्रॉप की अपनी पानी की रिक्वायरमेंट है अलग अलग होती है। दूसरा है क्रॉप की एज कितनी है, क्योंकि कम एज और बाद में कम और ज़्यादा पानी की जरूरत होती है। शुरुआत में कम होती है, बीच वाले स्टेज पे सबसे ज़्यादा होती है, जैसे जैसे मैच्योरिटी पे आपकी पकने लगती है पानी की जरूरत कम होती है। तीसरा है एनवायरनमेंट, कैसे एनवायरनमेंट में उगाई जा रही है। कोई फसल, कणक की फसल गंगानगर में उगाई जा रही है, पानी की रिक्वायरमेंट अलग होगी। वही फसल अगर हम बीकानेर में उगा रहे हैं तो उन दोनों जगह एनवायरनमेंट की वजह से पानी की रिक्वायरमेंट अलग होगी। तो यहाँ हम ड्रिप पे अभी एक्सपेरिमेंट जैसे चलते हैं हमारे, तो ड्रिप पे हम क्रॉप की तीनों चीज़ों को कैलकुलेट करके फिर हम पानी की मात्रा के हिसाब से एक्सपेरिमेंट करते हैं, जिसे कम से लेके ज़्यादा फसल को पानी देते हैं। ऐसी स्टेज जहाँ पे कि पैदावार मैक्सिमम हो, पानी मिनिमम हो, वो हम किसान के लिए रिकमेंड करते हैं। और बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो कि इनकी कैलकुलेशन नहीं कर पाते, तो उनके लिए हम ड्रिप की कैलकुलेशन करके पैकेज में देते हैं कि अगर ड्रिप की स्पेसिफिकेशन क्या होगी और उस समय किस महीने में कितनी चलानी है हर क्रॉप के हिसाब से। इसके बाद फिर हमें और ये कहा गया कि इतना ड्रिप के बराबर भी पानी नहीं हो तो फिर क्या करें। अब लास्ट स्टेज पर ला दिया ड्रिप से, फिर हमने एक नई टेक्नोलॉजी शुरू की थी, लो टनल टेक्नोलॉजी, जिसमें कि ड्रिप लगा के दो लाइनों को पॉलीथीन से ढक के, वो शुरू की थी 2006 में यहाँ पे। तो उससे हमने ये सोचा था जो पानी उड़ता है जमीन से, पानी दो तरह से उड़ता है। एक तो जमीन में जहाँ पौधे नहीं है सीधा उड़ता है, जिसे बोलते हैं हम एवोपरेशन, और दूसरा होता है पौधे जड़ से लेते हैं और पत्तियों से निकालते हैं, उसे बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। तो पॉलीथीन से हमने ढक दिया ताकि ये उड़ने वाला पानी पॉलीथीन पर जम जाएगा फिर वापस आएगा। काफ़ी हद तक ठीक था, ड्रिप से जितना पानी देते थे उसका 1/10 पानी की ज़रूरत पड़ी हमें लो टनल के साथ में। लेकिन लो टनल में कुछ और फायदे और हुए सर्दियों में, जैसे टेम्परेचर देखा, लो टनल के अंदर रात वाला टेम्परेचर है वो 6 डिग्री करीब बढ़ जाता है, दिन वाला टेम्परेचर है जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो करीब 10 से 11 डिग्री ज़्यादा हो जाता है। ऐसी हालत में जैसे अगर पाला पड़ने का होता है सर्दियों में, तो पाला पड़ने के लिए कहते हैं कि 4 डिग्री से नीचे टेम्परेचर हो, आसमान साफ हो, उत्तरी हवाएं हों, उस समय चांसेस होते हैं। अगर हम बाहर टेम्परेचर 0 भी पहुंच जाता है तो भी लो टनल के अंदर टेम्परेचर 6 डिग्री क्योंकि ज़्यादा रहता है तो 6 होता है, तो उस हालत में बाहर पाला भी पड़ जाए लो टनल में पाले से नुकसान। पानी का तो बताया मैंने, पानी ड्रिप से 1/10 चाहिए होता है, क्योंकि 98% पानी है पौधा उड़ा देता है, 2-3% पौधा अपने काम में लेता है, वो पानी वापस रूट जोन में आ जाता है पॉलीथिन पे जम के, इसलिए पानी की बचत। इसके अलावा क्या है, पौधा हम लोग हैं, आदमी हों, जानवर हों, कोई भी हो जो ह्यूमन बींग्स या एनिमल, वो क्रॉप पर डिपेंडेंट। हम अगर रोटी खाएंगे कणक की या चावल बाजरे की जो भी, वो पौधा बना देगा दाना तो उसे पिसवा के आटा बना के रोटी बना देगा। अगर हमें सब्जी खानी है तो जो पौधा लौकी तोरई जो भी खानी है वो पौधा बनाएगा तो हम उसे काट के खा लेंगे। पौधा हम लोगों पर डिपेंडेंट नहीं है। हमें ऑक्सीजन चाहिए जो सांस लेने को, वो भी पौधा कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन बना देगा तब हम ले पाएंगे, नहीं तो वो भी हमारे पास नहीं है। पौधा क्या करता है कि रात में ऑक्सीजन लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है, जिससे श्वसन क्रिया जैसे हम करते हैं वैसे ही करता है। सुबह जब पौधा फोटोसिंथेसिस करता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, सूर्य के प्रकाश में अपना खाना बनाता है और वापस ऑक्सीजन पौधा अपने लिए सब। जब हमने लो टनल से ढक दिए तो रात में जो ऑक्सीजन लेते हैं नॉर्मल एनवायरनमेंट से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड मिल गई, ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड मिलने की वजह से उसने फोटोसिंथेसिस ज़्यादा की और पैदावार भी काफ़ी ज़्यादा, डबल तक पैदावार की। ये एक एक्स्ट्रा फायदा था उसके लिए। और दूसरा लोड रहता है तो कीड़े बीमारियाँ भी बाहर से कंटामिनेशन कम, ये यहाँ काम कर रहा है। और बाकी मल्चिंग वगैरह लोग इसमें भी हमने जैसे आप देखेंगे ड्रिप से गाजर पर लगा रखी है, तो बहुत अच्छे इसके वो है। सिर्फ ड्रिप लगाने पे इतना ही है, ड्रिप लगाने के टाइम पे हम 2 दिन का पानी देते हैं, आज और कल के लिए जो रिक्वायरमेंट है पौधे की वो आज पानी देंगे, परसों फिर ड्रिप। अगर ड्रिप लगाने के बाद भी हम 10 दिन बाद ड्रिप चलाते हैं, 10 दिन का पानी देते हैं, कोई फ़ायदा नहीं है फिर तो सरफेस ही, क्योंकि ड्रिप से कोई तरीका, ड्रिप एक मेथड ऑफ इरीगेशन है, इससे पैदावार नहीं बढ़ती। पैदावार सिर्फ इसलिए बढ़ती है
क्योंकि हमें पौधे क्या खाना और पानी रोजाना का रोजाना मिलता है। अगर सरफेस इरीगेशन जैसे ये लगाइए, इस समय इसमें ऑक्सीजन की मात्रा सॉइल में कम है, हवा कम है, पानी ज़्यादा है, कुछ दिनों बाद दोनों बराबर हो जाएंगे जितने पौधे की ज़रूरत है। और बाद में क्या होगा, इसमें पानी की मात्रा कम हो जाएगी, ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी, तो पौधे को तीन स्टेज लगेंगे, उसकी वजह से पौधा उतनी पैदावार नहीं दे पाता। जबकि ड्रिप में क्या, रोजाना का पानी आज दो दिन का मिल रहा है तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे घर में रोजाना खाना मिल रहा है, या हफ्ते भर बाद एक दिन खिला दें, तो जो हमारी हेल्थ होगी वही पौधे की हेल्थ। अब आपको इससे रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए तो आप